ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो हमें स्वयं भगवान से ईश्वरीय बुद्धि मिली है। हम सब जानते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा महत्व मनुष्य की बुद्धि का ही है। यद्यपि मन की शक्ति सबसे बड़ी है, लेकिन मन की शक्ति को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि की शक्ति है। और हमें मिली है भगवान से सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि कैसे मिली? ज्ञान के माध्यम से हमें श्रेष्ठ ज्ञान मिला, एक एक सुंदर अनमोल रत्न मिला, वो हमारी बुद्धि में समाता गया, बुद्धि को एक दिव्य विवेक प्राप्त होता गया, एक सूक्ष्म एनर्जी प्राप्त होती गई, उससे हमारी बुद्धि शक्तिशाली भी होती गई और डिवाइन भी होती गई। स्वीकार कर लें, मेरे पास ईश्वरीय बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, मेरे पास कलयुगी मनुष्यों जैसी बुद्धि नहीं। बुद्धि विभिन्न तरह की होती है, किसी की बुद्धि बहुत तीव्र शार्प, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति बहुत समझदार भी हो, उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म भी हो। किसी की बड़ी मोटी बुद्धि होती है, किसी की बहुत पवित्र बुद्धि होती है, किसी की बुद्धि बहुत स्वच्छ होती है, किसी की निर्मल होती है, सूक्ष्म होती है और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इन सब में श्रेष्ठ है ईश्वरीय बुद्धि, दिव्य बुद्धि। हमें वो बुद्धि प्राप्त है, हम अपनी बुद्धि का इसी तरह प्रयोग करें। देख लें, हमारे विचार सद्विचार हैं, दूसरों के प्रति हमारे मन में कोई बुरी भावना, बुरी दृष्टि, क्रोध की फीलिंग तो नहीं है, ये ईश्वरीय बुद्धि का प्रमाण नहीं है। ईश्वरीय बुद्धि माना जिस बुद्धि में सदा ज्ञान रत्न घूमते रहे, जो ज्ञान में विचरण करती रहे, ज्ञान से ओतप्रोत रहे, ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश जिस बुद्धि में समा गया हो, अज्ञान की जहाँ कोई भी जगह शेष न बची हो, ऐसी बुद्धि मन को सहज ही कंट्रोल कर लेती है, मन को एक अच्छी दिशा दे सकती है। यदि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपका मन अननेसेसरीली आपकी इच्छा के विरुद्ध ही इधर उधर भटकता है, यदि आपका मन बहुत परेशान रहता है, यदि आपके मन में बेचैनी और अशांति रहती है, तो समझ लें आपके पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। अब अपनी बुद्धि को डिवाइन करो, ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। ऐसी जो आत्माएं हैं जिन्हें इस तरह कष्ट होता है मन के विचारों के द्वारा, वो जान लें कि हम मन को स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं। स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान हमारी बुद्धि में समाया हुआ है, ज्ञान में बहुत शक्ति होती है। ज्ञान के द्वारा ही तो मनुष्य सब कुछ करता है, चाहे वो लौकिक ज्ञान हो, चाहे बिजनेस का ज्ञान हो, चाहे घर चलाने का ज्ञान ही क्यों न हो, चाहे भोजन बनाने का ज्ञान हो, लिखने का, कविता बनाने, गीत बनाने का, म्यूजिक का, ये सब ज्ञान ही तो है जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को संचालित कर रहा है। तो हमारे पास सद्विवेक है, यूज करें इस सुंदर विवेक का। और आज सारा दिन याद रखें, मैं दिव्य बुद्धि से संपन्न आत्मा हूँ, मुझे दिव्य बुद्धि भी प्राप्त है और दिव्य नेत्र भी प्राप्त है। इस नेत्र के द्वारा हम तीनों लोक को देख सकते हैं, अर्थात तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं।
इस नेत्र के द्वारा हम अपने आदि स्वरूप को देख सकते हैं, अपने पूज्य स्वरूप को देख सकते हैं। चारों युगों में हमारे क्या क्या हीरो पार्ट रहे उन्हें देख सकते हैं। हम इस दिव्य नेत्र के द्वारा, दिव्य बुद्धि के द्वारा अपने संपूर्ण पार्ट्स को देख सकते हैं। जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ करें। तो आइए आज तीनों लोकों में सैर करें। ड्रिल करेंगे, मैं आत्मा इस देह में हूँ, फिर सूक्ष्म लोक में बाबा के साथ, फिर परम धाम में शिव बाबा के साथ, फिर वापिस अपनी देह में। इस तरह ऊपर जाना और नीचे आने की निरंतर प्रैक्टिस रखेंगे प्रति घंटे। ओम शांति।